नमस्कार जी, मैं हूँ मीनू अरोरा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आपकी बड़ी सफलता दिला सकते हैं ये छोटे छोटे 7 उपाय। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। ये समस्याएं किसी भी रूप में आ सकती हैं, जैसे बीमारी, आर्थिक तंगी, नौकरी, प्रमोशन आदि। इन सभी समस्याओं का समाधान छोटे छोटे ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से किया जा सकता है। ज़रूरत है बस इन उपाय पर विश्वास करने की। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अचूक छोटे ज्योतिषीय उपायों के बता रहे हैं। इन उपाय से आपकी अनेक समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये उपाय इस प्रकार हैं। रुका हुआ पैसा पाने का उपाय। शुक्ल पक्ष के किसी सोमवार से यह उपाय शुरू कर लगातार 21 दिनों तक करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि कामों से निपट कर एक लोटे में साफ पानी लेकर उसमें 5 गुलाब के फूल डालकर सूर्योदय को अर्घ दें और भगवान सूर्य से समस्या निराकरण के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र ही आपका अटका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा व अन्य मनोकामनाएं भी पूरी होने के योग बनने लगेंगे। बिजनेस में सफलता के लिए उपाय। किसी गुरुवार को एक पीले रंग का रुमाल या कपड़ा लेकर किसी ऐसे मंदिर जाएं जहां तुलसी का पौधा लगा हो। अब उस तुलसी के पौधे के आसपास जो घास उगी हो उसे तोड़कर पीले कपड़े या रुमाल में रख कर वापस घर ले आएं। इसको व्यापार स्थल तथा घर में रख दें। कुछ ही दिनों में व्यापार में वृद्धि तथा धन की बरकत दिखाई देने लगेगी। धन लाभ के लिए उपाय। जिस समय कृष्ण पक्ष में भरणी नक्षत्र का योग हो उस दिन पानी से भरे हुए 4 कलश लेकर जंगल जाएं और वहां उन कलशों को एकांत में रख कर चुपचाप चले आएं। फिर दूसरे दिन जाकर जो कलश खाली मिले उसे घर ले आएं, शेष को वहीं छोड़ दें। खाली कलश को घर के एकांत कोने में भरक कर प्रतिदिन उठकर पूजा करें और उस व्यक्ति पर लक्ष्मी प्रसन्न होकर उसी के घर में निवास करती हैं। लड़की की शादी के लिए उपाय। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को 7 केले, 700 ग्राम गुड़ और 1 नारियल लेकर किसी नदी या सरोवर पर जाएं। अब कन्या को वस्त्र सहित नदी के जल में स्नान कराकर उसके ऊपर से नट्टावार नारियल उसार कर नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद थोड़ा गुड़ व 1 केला चंद्रदेव के नाम पर व इतनी ही सामग्री सूर्यदेव के नाम पर नदी के किनारे रख कर उन्हें प्रणाम कर लें। थोड़े से गुड़ को प्रसाद के रूप में कन्या स्वयं खाए और शेष सामग्री को गाय को खिला दें। सफलता पाने के लिए उपाय। जिस दिन किसी कार्य विशेष के लिए जाना हो उस दिन जल्दी उठकर स्नान आदि कामों में से निपटकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें। उन्हें धूप दीप फूल दुर्वा आदि चढ़ाएं, गुड़ धनिये का प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी के सामने बैठकर रुद्राक्ष या पन्ना की माला से ओम गम गणपते नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। जब घर से निकलने वाले हों तब श्री गणेश को चढ़ाई दुर्वा में से थोड़ी दुर्वा अपनी जेब में रख लें। इस उपाय से निश्चित रूप से आपका हर सोचा हुआ काम जल्दी और ठीक से हो जाएगा। शनि देव को प्रसन्न करने का उपाय। शनिवार की शाम को जब सूर्य अस्त हो चुका हो उस समय उड़द की दाल के 2 साबुत बड़े लें और उन पर थोड़ा थोड़ा दही व सिंदूर लगा लें। इसके बाद इन बड़ों को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख आएं। पीछे पलटकर ना देखें, सीधे घर आकर हाथ मुंह धोएं। यह उपाय लगातार 11 शनिवार तक करें। एक बात जरूर याद रखें कि दही या बड़े में किसी मसाले का प्रयोग ना करें। इस उपाय शनिदेव प्रसन्न होते हैं।
संकटों से बचाती है चौपाई। चौपाई जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा, जपही नाम जन आरत भारी, मिटई संकट होई सुखारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जापी दी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निपट कर भगवान श्री राम की पूजा करें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके तुलसी की माला से इस चौपाई का सच्चे मन से जाप करें। प्रतिदिन कम से कम 5 माला जाप अवश्य करें। कुछ ही दिनों में इस चौपाई का प्रभाव दिखने लगेगा और आपके संकट दूर होते चले जाएंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।